नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। पानी जल्दी दे दे, फिर देखेंगे सबकी विश्राम कर रहे हैं। अभी उठेंगे वो तो, और अभी हम जाएंगे शूटिंग करने। तो आठ शुद्धियों में से चार शुद्धियां हो गई थी स्वाध्याय के अंतर्गत। कौन सी चार थी? अब तो अपन इतना धीमे धीमे चल रहे हैं कि कंठस्थ हो जाए। पहली शुद्धि थी भाव शुद्धि, दूसरी थी काय शुद्धि, तीसरी थी विनय शुद्धि, और चौथी जो थी ईर्ष्यापद शुद्धि थी। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्ष्यापद शुद्धि। अब पांचवी शुद्धि जो है, जिसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है आचार शास्त्रों में, उसका नाम है भिक्षा शुद्धि। भिक्षा शुद्धि, तो इस पर आज अपन विचार करते हैं कि भिक्षा शुद्धि क्या है और एक एक शुद्धि का परिणाम क्या निकलता है वो भी दिया है। जैसे भाव शुद्धि का क्या फल है, तो बोले उसके होने पर एक शुद्ध भित्तिका पर जिस तरह से चित्र प्रकाशित होता है, वैसे ही भाव शुद्धि के होने पर आत्मा में चारित्र प्रकाशित होता है। आचरण प्रकाशित होता है, धर्म प्रकाशित होता है भाव शुद्धि के होने पर। फिर काय शुद्धि से क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं कि काय शुद्धि के होने पर स्व को पर से भय नहीं होता और पर को स्व से भय नहीं होता। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा रहती है, निर्विकार होती है, यथा जात मल धारिणी, शरीर पर धूल आदि जमी रहती है, सजावट नहीं होती, आवरण और आभरण नहीं होते, यानी वस्त्राभूषण नहीं होते, और सर्वत्र प्रयत वृत्ति, जितनी भी प्रवृत्तियां होती है शरीर से वो सावधानी के साथ होती है। तो वो काय शुद्धि जिनके पास होती है, वो ऐसा लगता है जैसे वो शांत सुख की मूर्ति हो, और उनकी मुद्रा को देखकर ही लगता है कि यहाँ मुझे शांत सुख के दर्शन हो रहे हैं। बाकी जब सांसारिक सुख वालों के पास अशांत सुख के दर्शन होते हैं, इन मुनिराजों के पास शांत सुख का के दर्शन होते हैं। फिर विनय शुद्धि से क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं कि तन्मूला सर्व संपदा, सभी संपदाएं विनय शुद्धि से प्राप्त हो जाती हैं। विनय शुद्धि सर्व संपदाओं का कारण है और वही आत्मा का आभूषण है। विनय शुद्धि, शरीर के तो अनेक आभूषण होते हैं लेकिन आत्मा का आभूषण विनय शुद्धि है, और वही संसार समुद्र से पार लगाने वाली नौका है विनय शुद्धि। फिर चौथी ईर्ष्यापद शुद्धि थी। तो ईर्ष्यापद शुद्धि में क्या बताया था, नाना प्रकार के जो जीव स्थान है, योनि स्थान है और आश्रय स्थान है जीवों के, उनके अवबोध से उत्पन्न एक सावधानी होती है। जब इतना ज्ञान हो जाता है कि जीवों के स्थान कौन से हैं, जीवों के उत्पत्ति स्थान कौन से हैं,
जीवों के आश्रय स्थान कौन से हैं, तो प्रवृत्ति में सावधानी बरतने लग जाते हैं साधु, और उसके कारण परिहृत जंतु पीड़ा, प्राणियों की पीड़ा का वो परिहार करते हैं, यानी उनकी प्रवृत्ति से, उनकी इरियापत शुद्धि से जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, अर्थात जीवों को पहुंचने वाली पीड़ा का परिहार हो जाता है, और फिर साथ में ज्ञान का प्रकाश है अंदर, आदित्य का प्रकाश है बाहर, और आँखों की ज्योति शरीर में है, यानी नेत्रों में भी एक प्रकाश अपेक्षित है जिससे जीवों को देखकर उनकी सुरक्षा बरती जा सके। और इन तीनों प्रकाशों में निरीक्षित देशगामिनी इरियापत शुद्धि सावधानी पूर्वक देखे हुए स्थान पर गमन कराने वाली इरियापत शुद्धि होती है। और वो अभी बताइए, बता रहे कि गमन कैसे होता है वो इरियापत शुद्धि में, तो आचार्य कह रहे हैं वही हम पंक्ति पढ़ रहे हैं, द्रुत विलंबित संभ्रांत विस्मित लीला विकार आदि विकार दिगंतरावलोकनादि दोष रहित गमना, द्रुत दोष रहित गमना, द्रुत का अर्थ होता है वेग से चलना, तो वो वेग से चलना इरियापत शुद्धि में दोष है, तो वेग रहित गमन होगा इरियापत शुद्धि में। दूसरा दोष क्या है, विलंबित दोष रहित गमना, इरियापत शुद्धि कैसी होती है, जो विलंबित दोष है उससे रहित गमन करने वाली होती है, तो विलंबित दोष का अर्थ होता है बहुत लंबा समय लगाना गमन करने में, बिल्कुल धीरे धीरे चले जा रहे हैं बिल्कुल सुस्ती के साथ, जैसे कभी कभी बच्चे लोग उठते हैं ना नींद से तो उनको माँ बुलाती है तो वो एकदम धीमे धीमे कदम रखते हैं, कहाँ हो मम्मी, ऐसे हो आधी आँख बंद कर, इतना अति मंद गमन करना विलंबित गमन है। धीरे से गमन करने पर देखिए, एक हम इसका एक युक्तिपूर्ण समाधान देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आपने मध्यम गति से गमन करके पैर तत्काल उठा लिया, पैर रखा उठा लिया, तो धीरे गमन करेंगे तो क्या होगा कि कोई जीव अगर आ गया पैर के नीचे उसके ऊपर अधिक समय तक आपका वजन पड़ेगा, समझ गए ना बात, तो फिर उसको बाधा पहुंचने की संभावना अधिक है, इसलिए वेग से गमन करना भी इरियापत शुद्धि में दोष है, मंद गति से अति मंद गति से गमन करना भी इरियापत शुद्धि में दोष है, तो न तो मंद गति से गमन करें न वेग से गमन करें, मध्यम गति से गमन करें। फिर क्या कह रहे हैं, संभ्रांत दोष रहित गमना, संभ्रांत दोष का अर्थ क्या है, संभ्रांत का अर्थ होता है हड़बड़ी, हड़बड़ी का मतलब ऐसा है जैसे महाराज जी बच के पीछे सांड आ रहा है, किसी ने ऐसी आवाज लगाई महाराज जी को और महाराज जी ने सुन ली वो आवाज, तो वो एकदम हड़बड़ी में एकदम उससे बचने के लिए गमन करते हैं, इरियापत शुद्धि से नहीं करते, तो ये संभ्रांत दोष पूर्वक गमन कहलाता है। ये हड़बड़ी है, दूसरा जैसे
समय पे पहुंचना है क्लास आदि में, उसमें अपन टाइम से नहीं जा रहे हैं, लेट हो रहा था, जल्दी तो हाँ उसमें भी हड़बड़ी का तो आएगा ही उसमें समावेश। एक उदाहरण ये सांड का था, और भी कोई कई उदाहरण हो सकते। फिर विस्मित गमन, आश्चर्यपूर्वक गमन करना, तो विस्मित नामक दोष के साथ जो गमन है उससे रहित गमन कराने वाली इरियापद शुद्धि होती है। क्योंकि आश्चर्य से गमन करने वाले सावधानी नहीं बरत पाते। उदाहरण के लिए सामने से कई संग आ रहे हैं और आपको पता नहीं कि कौन कौन आ रहे हैं, तो आप थोड़े से विस्मित है कि कहीं मेरे गुरु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और दूर से देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है कि अरे मेरे गुरु भी आ रहे हैं। तो फिर आप उनको देखते हुए गमन करेंगे ना, तो फिर यहाँ इरियापद शुद्धि में अंतर पड़ जाएगा। विस्मित नामक दोष है, ये दोष लिखने योग्य। द्रुत दोष गमन, विलंबित दोष गमन, संभ्रांत दोष गमन, विस्मित दोष गमन, फिर पांचवा है लीला दोष गमन। लीला दोष का अर्थ क्या होता है? लीला का मतलब स्टाइल से चलना, लीला पूर्वक गमन करना है, ऐसे मस्ती से चलना है। तो उसमें क्या होगा, मस्ती से चलेंगे तो आपको आप उस स्टाइल में मग्न रहेंगे, और वो जो सावधानी आपको बरतनी है एरिया पर शुद्धि में उसमें चूक हो जाएगी। तो ये लीला नामक दोष पूर्वक गमन कहलाता है। इसके उपरांत कह रहे हैं ये कितने हो गए, पांच हो गए। फिर विकार दोष गमन, विकार दोष है ना, विकारी भाव के साथ गमन कर रहे हैं आप, तो वो भी दूषित गमन है। गुस्से में गमन कर रहे हैं आप, अब राग द्वेष दोनों हो सकते हैं, क्रोध पूर्वक गमन कर रहे हैं अथवा स्नेह पूर्वक गमन कर रहे हैं। तो उस समय कभी कभी स्नेह पूर्वक गमन करते हैं तो फिर वो जो पीछे श्रावक छूट गए चौमासे वाले, उनके प्रति अंदर एक फीलिंग आ जाती है, भावुकता आ जाती है कि देखो सबके आंसू निकल रहे हैं। फिर ऐसे मतलब समझ में आ रहा ना, वो हमने खुद देखा हुआ है कि कुछ महाराज ज़्यादा भावुक हो जाते हैं विहार के साथ, अथवा गुरु से भिन्न विहार हो रहा है तब भी बहुत भावुक हो जाते हैं। तो वो गुरु का वियोग हो रहा है, तो ये जो भावुकता है उसको प्रशंसनीय नहीं बताया साधु के लिए। कोई भी भावुकता प्रशंसनीय नहीं मानेगी, क्योंकि अर्थ ध्यान है। अर्थ ध्यान अब ठीक है, हेतु जो भी हो, एक तो सांसारिक हेतु होता है और दूसरा क्या होता है, इष्टजनों से वियोग, और वो इष्ट जो है वो अपने मोक्ष मार्ग में साधक जन है। कभी गोमटेश्वर से निकलते समय कैसा मन होता है देखिए, आप सबको पता है, अच्छा लगता है क्या, कोई खुशी खुशी निकलता है क्या, बेहतरीन स्माइल देकर नहीं निकलता, कभी अच्छा नहीं लगता। शिखर जी से लौटते समय कैसा लगता है, एकदम भारी हो जाता है मन। ये मैं 20 तीर्थंकरों की भूमि को छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ, कैसा फील होता है। तो ये एक प्रकार से ये प्रशस्त का वियोग है, यानी ऐसे आलम्बन का वियोग हो रहा है जो आपके लिए शुभ कारक था। ये गुरु का भी ऐसे ही है, गुरु का भी ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर विकार गमन के अंतर्गत अपन इनको लें या फिर उनको लें, नहीं अर्थ ध्यान तो होगा, अर्थ ध्यान तो यही, वो तो प्रमत्त गुणस्थान तक के अर्थ ध्यान होता है इष्ट वियोग। आंसू निकालना वर्जित है साधु को, तो बोलते हैं कि अब आंसू प्रतिक्रमण के समय निकल जाए तो उसको भाव प्रतिक्रमण का, और संयोग वियोग में आंसू होना अनुचित बताया हमने। आर्यकाओं को रोना मना किया, मूलाचार में गाथा ही ना कि आर्यकाएं रो नहीं सकती, बड़ी बात है क्योंकि नारी जाति में रोना एक बहुत साधारण प्रवृत्ति होता है, और रोने से ही मन हल्का होता है नारियों का, खास बात है। रोले तो फिर एकदम फिर दिन भर मुस्काते रहेंगे, एक बार रोले तो फिर हमेशा खुश हो जाएंगे, और फिर रोना रोक ले तो बड़ा भारी होता है। लेकिन वहाँ पर तत्व चिंतन के द्वारा
उसको जीता जाता है, उस वेदना को। ये पाश्चात्य संस्कृति की मान्यता है, आवेग को रोकना हानिकारक होता है, निश्चित होता है हानिकारक, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आवेग के स्रोत से ध्यान हटाना उस आवेग को टालने का उपाय है। आवेग का जो स्रोत है वहाँ से आप ध्यान हटा करके आप कोई प्रशस्त आलंबन में ध्यान लगा लीजिए, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर ध्यान लगा लीजिए। यहाँ पर जिस वजह से आपको आवेग आ रहा है, जो आपके अंदर आकुलता हो रही है, तो यहाँ से ध्यान हटा करके वहाँ ध्यान लगा लीजिए। अथवा जो प्रतिमा आपको सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि प्रिय वस्तु पर ध्यान अधिक लगता है, अधिक श्रम नहीं करना पड़ता, उसका ध्यान लगा लीजिए, तो फिर वहाँ से मन हट जाएगा। और विलियम वॉकर एटकिंसन मॉडर्न साइकोलॉजी में, वो जो पुरानी साइकोलॉजी थी उसमें कार्ल यूंग और सिगमंड फ्रॉयड वगैरह थे, और फिर मॉडर्न साइकोलॉजी आ गई, तो मॉडर्न साइकोलॉजी में विलियम वॉकर एटकिंसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका कहना था, उनका पहले वालों का कहना था कि इच्छा पूर्ण कर दो तो शांत हो जाएगी। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इच्छा को पूर्ण करने से एक आदत पड़ जाएगी इच्छा पूर्ण करने की, जब भी इच्छा होगी तो आपको पूर्ण करने की आदत पड़ जाएगी। इनका कहना है डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आप इच्छा को कुछ समय के लिए टालो, गुस्से में गुस्सा आ रहा, कुछ बोलने की इच्छा हो रही है गुस्से में, थोड़ी प्रतीक्षा करो, फिर बोलने से वो जो अनर्गल वचन निकलने वाले थे वैसे वचन नहीं निकलेंगे, संयत वचन निकलेंगे। और कहो और थोड़ी आप प्रतीक्षा कर लो तो आपको बोलने की भी आवश्यकता ना पड़े। रोम की जो सेना है, वहाँ की सेना के लिए एक नियम है कि कोई भी सैनिक अगर आपस में कुछ खटापटी हो जाती है तो वो मेजर जनरल से शिकायत नहीं कर सकता। वहाँ का नियम है 24 घंटे बीत जाए तभी शिकायत करना, 24 घंटे के अंदर अगर शिकायत की तो तुम्हें दंड मिलेगा। क्या सुंदर बात, 24 घंटे में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। 24 घंटे तक चलती है क्या कषाय? अब आप कहोगे कि हाँ कुछ लोग जैनों की चलती है, चलती होगी, पर ऐसे सामान्यतः एक स्वस्थ मानव में नहीं चल सकती, उसका मन शांत हो जाता। कोई भी खिलाड़ी 24 घंटे कषाय नहीं कर सकता। तो दो प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो हमेशा हिसाब किताब जोड़ने वाले होते हैं, और एक प्रकार से वो जुआरी की मानसिकता वाले होते हैं कि उनको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो उनकी कषाय शांत नहीं होती, उनके अंदर लंबी खिंचती है कषाय। और दूसरे वो खिलाड़ी होते हैं जो हार गए तो भी सोचते हैं चलो कुछ सीखने मिला, ये मेरी अंतिम हार नहीं है, ये जीत की तैयारी कराने वाली हार है, ये खिलाड़ी की मानसिकता होती है, इसलिए वो किसी भी घटना पर टूटता नहीं है। और जुआरी जो है वो टूट जाता है, हार गया तो फिर वो जहर खा लेगा या किसी को मार डालेगा, कुछ भी कर डालेगा। तो ये मानसिकता अपने अंदर अपने को देखनी है। कोई भी मोक्ष मार्गी जुआरी नहीं हो सकता, और कोई भी जुआरी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। तो जितने लोग मोक्ष मार्गी होकर के कषायों में ज़्यादा तत्पर हो रहे हैं, उनको अंतर निरीक्षण करके उस मानसिकता को परिवर्तित करना होगा, और उनको जुआरी से खिलाड़ी बनना होगा। कर्म हराते हैं कई बार अपने को, नहीं करना चाहिए आर्त ध्यान लिखा है लेकिन हो गया, क्या करोगे? तो उस समय अपने अंदर ये विचार करना, ठीक है इस बार तो मैं हार गया, अब आगे देखता हूँ, आगे मैं और सावधानी बरतूँगा। और सावधानी से ही तो विजय होती है, असावधानी से तो पराजय होती है। और अभ्यास करते करते फिर वो प्रशिक्षित हो जाता है।
और सच्चे गुरु वो हैं जो शिष्य को जिनाज्ञा का पालन करना सिखाए। आगम विरुद्ध निजाज्ञा का पालन करना न सिखाए। वैसे तो सच्चे गुरु निजाज्ञा आगम विरुद्ध दे नहीं सकते, वो आगम सम्मत ही आज्ञा देंगे। पर एक कहने की बात, काल का प्रभाव आज इस अपेक्षा से कह रहे हैं, और किसी एक पर केंद्रित होकर नहीं कह रहे हैं, सर्व सामान्य की बात है। अष्टपौड़ में जो टीका लिखी गई उसमें क्षुल्लक अवस्था में छोटे गुरु कहा, क्षुल्लक जी को छोटे गुरु कहा, क्षुल्लक गुरव छोटे गुरु का, तो हम भी उसमें शामिल हैं। अगर मान लो हमसे कोई आज्ञा मांग रहा है, वैसे तो हम टालते हैं, कभी आज्ञा देते नहीं, पर मान लो कोई आज्ञा दे रहा है तो हम अपने मनमाने वाले आज्ञा नहीं दे सकते। तो जिनाज्ञा से बंधना सिखाते हैं गुरु। ये बंधना शब्द पर ध्यान देना, ये वजन है इसमें। सच्चे गुरु जिनाज्ञा से बंधना सिखाते हैं, अपनी आगम विरुद्ध निजाज्ञा से बंधना नहीं सिखाते। तो चर्चा क्या चली थी? विकार गमन, गुस्से में गमन कर रहे हैं, एकदम रूठ के गमन कर रहे हैं, और चलते चलते रास्ते भर वही सब याद आ रहा है कि हमने क्यों गमन किया यहाँ से, हमारी इच्छा नहीं थी पर करना पड़ा, क्या करें। तब फिर ईर्ष्यापद शुद्धि में बाधा आ सकती है। तो विकार गमन, अथवा वो विकार राग रूप भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विकार तो राग और द्वेष दोनों हैं, दोनों रूप हो सकते हैं। तो राग पूर्वक गमन कर रहे हैं या द्वेष पूर्वक गमन कर रहे हैं, दोनों में ईर्ष्या शुद्धि ईर्ष्यापद शुद्धि बाधित हो सकती है। बाकी तो गमन करते समय आपको चार शुद्धियाँ बताई, ईर्ष्यापद शुद्धि के अंतर्गत चार शुद्धियाँ बताई मूलाचार ग्रंथ। एक क्या है? मार्ग शुद्धि। दूसरी क्या है? उद्योत शुद्धि। तीसरी क्या है? आलंबन शुद्धि, और चौथी है उपयोग शुद्धि। अब इन चार शुद्धियों में देखिए क्या क्या अभिप्राय इन शुद्धियों का। पहला क्या है? मार्ग शुद्धि। जिस मार्ग से आप गमन करते हैं वह मार्ग प्रासुक मार्ग, ये मार्ग शुद्धि होगी। और मूलाचार ग्रंथ में इसको समझाया भी है कि सूर्य उदित होने के बाद जब पशु मानव और शकट आदि मतलब गाड़ियां वगैरह निकल चुकी हों, तो वो मार्ग अगर साधु अपने गमन के लिए चुनते हैं तो उनकी मार्ग शुद्धि कहलाती है, क्योंकि वो मार्ग प्रासुक है। फिर दूसरी कौन सी शुद्धि थी? उद्योत शुद्धि, यानी सूर्य के द्वारा वह मार्ग प्रकाशित हो चुका हो, सूर्य उदय के पहले भी मार्ग उतने प्रकाश से भी प्रकाशित हो जाता है। उदय के पहले ही सूर्य का जो तेज है वो व्याप्त हो जाता है। तो इसमें तो आदित्य लिखा हुआ है, ज्ञान आदित्य और स्वेंद्रिय प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और इंद्रिय नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय का प्रकाश तीनों हों, और फिर आप देख करके चल रहे हों, तब वो ईर्ष्यापद शुद्धि होगी। उद्योत शुद्धि दूसरी, तीसरी कौन सी?
आलंबन शुद्धि। आलंबन शुद्धि का अर्थ क्या है? आप निरर्थक गमन नहीं कर सकते, कोई ना कोई आलंबन आधार अपेक्षित है। और आलंबन में वहाँ पर क्या बताया? तीर्थ वंदना है, आहार, निर्हार और लक्ष्य करके विहार। अब वो लक्ष्य करके किया हुआ जो विहार है वो अनियत और नियत दोनों प्रकार का हो सकता है। अनियत में ऐसा है लक्ष्य आपका कि मुझे बस निकलना है, इस दिशा में निकलना है, स्थान नियत नहीं किया है, इस दिशा में निकलना मुझे, हो गया। तो वो आलंबन शुद्धि है कि जहाँ पर लक्षित विहार होता है, प्रयोजन सब प्रयोजन, हाँ लक्ष्य के स्थान पर प्रयोजन शब्द अधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र ने बिल्कुल सही कहा सुरेश गुप्त महाराज ने कि निष्प्रयोजन गमन नहीं करना। कोरोना महामारी में जब गमनागमन स्थगित हो गया तब साधुओं को उसी स्थान पर जहाँ रुके हुए हैं वहीं पर अपने शरीर की अपेक्षा ऐसे चलना पड़ता था। जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के श्रवणबेलगोल तीर्थ पर पहाड़ पर चढ़ना भी प्रतिबंधित हो गया तब भट्टारक स्वामी जी ने ये कहा था, चारुकीर्ति स्वामी जी ने, कि ये जो छत है श्रेयांश भवन की उसमें पर्याप्त स्थान है, तो वहाँ पर साधु गमनागमन कर सकते हैं, मतलब चल फिर सकते हैं, जिससे शरीर व्यवस्थित रहे, साधु को अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। और ये पुलाक मुनियों की तो बात छोड़ दो आप, शरीर बकुश मुनि तक शरीर का विशेष ध्यान रखना। तो इसलिए वो इसमें ग्राह्य है, वो प्रयोजन सहित है, निष्प्रयोजन नहीं है। अब निष्प्रयोजन का मतलब ये है कि आप ऐसे घूमने निकल गए मार्केट, तब साधु को मार्केट में घूमने निकलने की क्या आवश्यकता है? तो सब प्रयोजन गमन करना, ये आलंबन शुद्धि है। और अंतिम कौन सी शुद्धि थी? उपयोग, उपयोग शुद्धि। उपयोग शुद्धि का अर्थ होता है कि आप कथा विकथा न करते हुए ईर्या समिति में अपने उपयोग को अर्थात अपने ध्यान को, ज्ञान दर्शन को लगाकर गमन करें तो उपयोग शुद्धि होगी। कई साधु गमन प्रारंभ करते हैं तो मौन ले लेते हैं और गमन करते हैं। आचार्य वासुपूज जी सागर से कौन गया? आचार्य वासुपूज, वो हमारे मन में वही था, इसलिए हम साथ में विहार के लिए विहार प्रारंभ किया। मन बस वो माला रखते थे आप, उनकी माला जाप चलता रहता था मन में। बिल्कुल सही बात, माला जाप कर सकते। अभी कुछ ही दिन पहले ये चर्चा हुई थी। अब माला में क्या है कि मानसिक नमोकार मंत्र का ही ध्यान कर रहे हैं, पदस्थ ध्यान कर रहे हैं, कोई वो गिनने वाली माला नहीं गिन रहे, सिर्फ शुभ केवल नमोकार में अपने वचन लगे रहे और शरीर जो है वो ईर्या समिति में तत्पर रहे, आंखें चार हाथ देखती रहे। हमारा प्रश्न था ये, जैसे हम लोग भी विहार आदि करते हैं तो फिर भक्ति पाठ करते हुए जाते हैं तो फिर वो दोष लगेगा, क्योंकि जैसे पाठ है, भक्ति है, भक्ता हमारे पंच स्तोत्र है, तो दो लाइन हम बोलते हैं, दो माता जी दो लाइन, वो तो हमने देखा था, आपने देखी है। और वर्धमान सागर, वर्धमान सागर महाराज जी के साथ इतना सब तो उपयोग तो थोड़ा, तो उनके यहाँ भी वैसे ही होता है क्या? आचार्य श्री के यहाँ अपन साथ में थे ना जब, नहीं साथ में थे तब तो हो रहा था, क्योंकि आप लोग तो करते ही वहाँ पर भी होता ही है। नहीं साथ में तो अपने साथ में तो हो रहा था, पर ऐसे अलग से उनका होता है।
आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री से इस विषय में प्रश्न किया था कि विहार में जाप करना, विहार में जो जाप होती है उसके विषय में आपका, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करते हैं। तो उसका हेतु, तो उन्होंने कहा कि दो हेतु हैं ना करने के। एक तो काय गुप्ति नहीं होती और दूसरा हेतु है क्षेत्र शुद्धि नहीं होती। पर यहाँ पर जाप पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल जाप पे माला हाथ में लेकर नमोकार का स्मरण करते जा रहे हैं। कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, बस नमोकार का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। तो जैसे नमोकार है वैसे ही ये स्तोत्र अधिक भी हैं। पर कोई अगर ऐसा स्थान आ जाए जहाँ पर क्षेत्र शुद्धि नहीं है, तो फिर वहाँ पर विचार करना होगा। तो बंद हो जाते हैं जैसे मान ले जाते हैं, गांव के पहले गंदगी रहती है, गांव के बाद गंदगी रहती है, तो वहाँ उनको चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो शुभ उपयोग यदि आपने नया नया पाठ कंठस्थ किया है तो फिर आपका ध्यान पाठ पे अधिक होगा और इधर से हट सकता है। और अगर आपको पाठ लंबे समय से कंठस्थ है तो फिर वो आपके संस्कारों में आ चुका होगा, और संस्कारों में आ जाने पर आप एक साथ दो काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो पहली बार रोटी बनाती है वो बहन किसी से बात करते हुए ही नहीं बना सकती, हाथ जलेंगे पक्के में। और जिस बहन को वर्षों से आदत पड़ी हुई है रोटी बनाने की, वो पूरी स्टोरी सुनाते हुए रोटी बना सकती। संस्कार तो वो स्थिति यहाँ पर भी घटित हो सकती है। तो इरियापत शुद्धि के होने पर फिर एक दोष और बताया, दिगंतरावलोकन, यानी सामने न देखकर दिगंतर यानी दिशांतरों में देखना, इधर उधर दिशाओं में देखते हुए चलना, ये भी दोष है। और इससे रहित इरियापत शुद्धि होती, इस दोष से इरियापत शुद्धि विहीन होती, रहित होती है। और आदि शब्द से इनके अतिरिक्त और भी जो संभाव्य दोष हैं, जैसे मूलाचार्य प्रदीप में लिखा है कि चले शिला तले, ऐसी चट्टान पर पैर नहीं रखना जो हिलती डुलती हो, अन्यथा इरियापत शुद्धि बाधक बाधित होगी। तो चले शिला तले, अच्छा है कंटेस्ट करने के लिए सरल, जो शिला तल चलाए मन, ये हमने ऐसे शब्द का प्रयोग किया चले शिला तल, वहाँ पता नहीं श्लोक में क्या लिखा हुआ, अभिप्राय यही है कि जो शिला हिलती डुलती हो उस पर पैर न रखें। अब प्रश्न उठेगा कि भाई पैर रखे बिना कैसे पता चले कि वो हिलती डुलती है कि नहीं, तो कोई और निकल रहा हो उस पर से पहले वो देख लो, और उसके निकलने पर अगर वो हिल रही है तो आप पैर नहीं रख। तस्याम सत्याम, इस इरियापत्ति शुद्धि के होने पर संयम प्रतिष्ठित होती, संयम प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी इरियापत शुद्धि के बिना संयम अप्रतिष्ठित रहता है, और इरियापत शुद्धि के होने पर संयम प्रतिष्ठित हो जाता है। विभव इव सुनीतो, जैसे सुनीति के होने पर विभव वैभव प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ पर अनीति से जो विपरीत है उसको सुनीति कहा है,
सुसुष्टु शोभना नीति इति सुनीति। जो नीति शोभन है, शोभनीक है, सुंदर है, वह सुनीति। तो जिस प्रकार सुनीति के होने पर वैभव स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार ईर्या पथ शुद्धि के होने पर संयम प्रतिष्ठित होता है। इस तरह ये चार शुद्धियों का वर्णन अपन ने पढ़ा है। इसके उपरांत जो भिक्षा शुद्धि, जिसको हमने प्रारंभ में कहा था कि वो प्रधान है आठ शुद्धियों में, उसका वर्णन अपन अलग से पढ़ेंगे। और भिक्षा शुद्धि को अचौर्य व्रत की पांच भावनाओं में गर्भित किया। चौथी भावना कौन सी? अचौर्य व्रत की भावना शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाह पंच। चौथी शुद्धि भिक्षा शुद्धि, तो उस पर अपनी चर्चा आगामी सत्र में होगी। आज इतने ही रखते हैं। जैनम जयत शासन पर कितना विषय आ गया। दूसरी कहानी सुना दीजिए। और ऐसी शुद्धियों को पालते हुए जो साधु ध्यानस्थ हो गए और निर्वाण को प्राप्त हो गए, वो संयम सिद्ध हैं, उनको अपन ने नमस्कार किया। मतलब नमस्कार सिद्धों को कर रहे हैं, वो कैसे सिद्ध हुए हैं उसकी चर्चा ये इतनी लंबी चल रही है। ये राजवार्तिक बहुत अद्भुत है। सर्वार्थ सिद्धि में अष्ट शुद्धि केवल लिखा, राजवार्तिक में उसका विवरण है। क्या विवरण है, अद्भुत वर्ण है। ये अष्ट शुद्धि भी स्वाध्याय में पठनी। हमने कई पांच विषय बताए थे ना कि कभी अपनी विशुद्धि बढ़ानी हो तो पांच स्वाध्याय आप कर लीजिए, तो फिर आपकी विशुद्धि बढ़ जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि के तीन विषय ले लीजिए, बल्कि अब राजवार्तिक का एक विषय और जोड़ लेना उसमें। कौन से तीन विषय सर्वार्थ सिद्धि के? संसारिणो मुक्ताश्च, पंच परावर्तन का वर्णन, उसको पढ़ लें तो विशुद्धि बढ़ जाती है। 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन पढ़ लें तो विशुद्धि बढ़ जाती है। 22 परिचय जय का वर्णन पढ़ लें तो विशुद्धि बढ़ जाती है। और तत्वार्थ वार्तिक से ये 10 धर्मों वाले सूत्र में, छठा सूत्र 9वें अध्याय का, इसमें से ये 8 शुद्धियाँ पढ़ लें तो विशुद्धि बढ़ जाती है। विशुद्धिकार परिणामों की निर्मलता, भावों की पवित्रता। छठा सूत्र 9वें अध्याय का छठा सूत्र, उत्तम क्षमा मार्दवार जो शौच संयम, शौच शौच सत्य संयम तपस्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। इस सूत्र और कौन से विषय थे? हाँ, वो उत्तर पुराण में महावीर स्वामी के जीव को जो मुनिराजों ने संबोधन दिया है सिंह की पर्याय में, वो प्रकरण पढ़ लें तो विशुद्धि बढ़ जाती है। और कोई प्रकरण था ना? हाँ, एक पहले बताया था हमने, किनकी? बाहुबली स्वामी के वैराग्य का वर्णन पढ़ने से भी अपनी विशुद्धि बढ़ जाती है। और इसी प्रकार श्रेणिक राजा ने जो महावीर स्वामी की स्तुति की उत्तर पुराण में, वो पढ़ने पर, हमने जब प्रथम बार पढ़ा था उस स्तुति को, तो कई दिनों तक वही शब्द हमारे अंदर घूमते थे। हमें एक बार तो सपने में भी वही स्तुति आ रही थी महावीर भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति। कभी सिद्धवरकूट जाना हो तो महावीर भगवान के सामने उत्तर पुराण की वो स्तुति खोल करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग अभी सिद्धवरकूट के आसपास होंगे उनका तो परम सौभाग्य, हम तो यहाँ दूर से नमस्तु कर रहे हैं। अथवा महावीर जी जाना हो तब भी वहाँ कर सकते हैं स्तुति। चांदन पर उत्तर पुराण में आती है, लास्ट लास्ट में आती है, बहुत सुंदर स्तुति है। क्या आचार्य गुणभद्र स्वामी ने स्तुति लिखी हो,
वो पांचवी कौन सी थी, वो भी आप महाराज जी आपने पहले कभी लिखी होगी ना? नहीं, तो बहुत सारे हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये तो अपन एक पूरा संग्रह रख सकते हैं कि ऐसे प्रसंग ही है। तो उपसर्ग विजेता हूँ कि तो प्रत्येक समयसार का कुछ बताया, समयसार में वो वाला जो प्रकरण अपन ने दो दिन पहले पढ़ा था ना, प्रोचन सार की चूलिका में कौन सा प्रसंग? ये समय सार वाले तो बहुत विशिष्ट था, बिल्कुल नियम से विशुद्धि वर्धक था। हाँ, जो पंचम काल में 130 और 121 नंबर का था कि जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति में किंच विस्तर, उसके बाद का जो वर्णन हुआ 130-131 का था, महान विशुद्धि वर्धक था। ऐसे कई प्रसंग शास्त्रों में ऐसे प्रथमान युग के तो ढेरों दृष्टांत हमारे स्मृति पटल पर अभी एकदम उमड़ रहे हैं। ये आप लिख करके हमें बता दीजिएगा, हम भी लिख लेंगे फिर। अभी भले हम बोल रहे हैं लेकिन आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले का लिखा है, दूसरी कॉपी में। जैनम जय तो शासन।